अरे सुपरमैन कहाँ जा रहे हो? शिमला। शिमला तो उधर पीछे लेफ्ट में। ओके जरा हल्के गाड़ी हाको मेरे राम गाड़ी वाले, जरा होले होले गाड़ी हाको मेरे राम गाड़ी वाले, रा गाड़ी मारी रंग बिरंगी रपहिया लाल गुलाल, हाकण वाली छल छपीली भाई बैठन वाला ना भैया। ये टाइम टू से बाय हमारे टेम्पररी घर के लिए फायरा होटल, यहाँ पर फराज भाई है। फराज भाई बाय बाय, चलिए मिलते हैं अभी ऊपर जाते हैं। ना गाड़ी अटकी रेत में भाई मजल पड़ी है दूर, की धर्मी धर्मी बार उतर गया पापी चकना चूर। ये बहती हुई ब्यास नदी मुझे हमेशा एक बात सिखाती है कि लाइफ में हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। हम भी बढ़ रहे थे लेकिन एडवेंचर हो गया और गाड़ी हो गई खराब, अब क्या करें? तो देखो आगे। क्या मुंडे थे कुड़ियों बॉयज एंड गर्ल्स, होप यू गाइस रॉकिंग। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त एंड मोटो ब्लॉगर राम धरवार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आर टू दी राइडर। जी आज दिन है सातवां, से निकले थे होटल से हम एक उम्मीद लेके कि हम जल्दी पहुंचेंगे, लेकिन ब्यास के साथ बहते 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 हम फंस गए। पीछे हमारी गाड़ी खराब हो चुकी है, आप अगर देखेंगे तो हमारे ड्राइवर भाई राजेंद्र जी पे काम कर रहे हैं, आई गेस कुछ फ्यूज उड़ा है। आई एम नॉट श्योर कि कैमरा वो दिखा पाएगा आपको ठीक से। वहाँ पर एक घर है और हम ये सोच रहे थे कि वहाँ के लोग नीचे ट्रैवल कैसे करते होंगे। अब वहाँ से कोई बंदा दिख रहा है, वो येलो शर्ट है, देखो वो वॉक कर रहा है। अगर उसको नीचे आना है इस रोड पे तो कैसे आए? बिकॉज देयर इज नो सोर्स, यहाँ कोई सोर्स ही नहीं है। यू कैन सी क्लाउड्स कमिंग ओवर एंड आई थिंक इट्स गोइंग टू बी रेन और स्नो, इट्स गोइंग टू बी स्नो एनी टाइम। अब मुझे नहीं पता ये कब होगी, बिकॉज एज पर द प्रेडिक्शन होने वाली है 17 तारीख को मनाली में है और 22 तारीख को शिमला में, और हम लकी रहे तो जरूर विटनेस करेंगे और आपको भी दिखाएंगे। दिस ब्यास रिवर फ्लोइंग विद अस, ये बह रही है हमारे साथ। वेदर इज बिकमिंग सो अमेजिंग एंड एज वी ऑल नो मनाली इन जनवरी इट्स टू गुड, इट्स लाइक यू नो आइसिंग ऑन द टॉप ऑफ द केक। अब देखते हैं। 2000 years later. पहाड़, नदी, ऊंचे ऊंचे पेड़, वादियों का मजा लेते हुए इंस्टाग्राम के रील बना रहे थे, तभी आवाज आई। अबे धक्का मारो बे! रेत में भाई मजल पड़ी है दूर, गाड़ी अटकी रेत में भाई मजल पड़ी है दूर। वेल डन, तालियां होनी चाहिए यार हमारे लिए। की धर्मी धर्मी बार उतर गया पापी चकनाचूर भैया। हाँ जी भाई, तो बहुत सारी नाकाम कोशिशों के बाद पता लग गया कि हमें चाहिए अब सपोर्ट, तो ले ली सपोर्ट एक हरियाणवी अंकल से जिन्होंने हमारी गाड़ी को एक हल्का सपोर्ट दिया और गाड़ी हो गई स्टार्ट। ला चार जना मिल मतो उठायो बांधी काट की घोड़ी, चार जना मिल मतो उठायो बांधी काट की घोड़ी, ले दे जाके पर गट पे रखिया कितनी जैसे हो या हल्के गाड़ी हाको मेरे राम गाड़ी वाले, जरा हल्के गाड़ी हाको मेरे राम गाड़ी वाले। A few moments later. हाँ जी, तो ये गैरेज में आए हैं हम लोग हमारी ट्रैवलर को रिपेयर करने के लिए। शायद कुछ सेल्फ का प्रॉब्लम है और उसके पास का वेदर, ओहो आई एम नॉट श्योर बट इट विल गोइंग टू रेन एनी टाइम, या फिर स्नो पड़ जाए। भैया हल्के गाड़ी हाको मेरे राम गाड़ी वाले,
मेरे राम गाड़ी वाले। हाँ जी भाई, तो लेटेस्ट अपडेट ये है कि गाड़ी को बनने के लिए लगेंगे ऑलमोस्ट 2 से 2.5 घंटे। सोचा इस टाइम को कहीं पे ऑक्यूपाइड किया जाए, इसलिए हम आ गए खाना खाने रिवर साइड रेस्टोरेंट के पास। जब तक गाड़ी बन रही है सोचा कि थोड़ा सा खाना खा ले। खाना खाने के लिए हम लोग ने एक अच्छा रेस्टोरेंट चुना, इसका नाम है कैफे FFC। और उसके पास ऐसा सिटिंग अरेंजमेंट है, रिवर साइड सिटिंग होता है जहाँ पर, और ये ऐसे ब्यास वेरी बाजू से। ओहो भाई साहब देख लो यार, मजा आ गया यार। ऐसे वेदर में रिवर के साइड बैठ के रेस्टोरेंट में खाना खाना, ओहो भाई साहब। 1 hour later। हाँ तो जी, खाना हमारा हो गया है। अब समय आ गया है कि देवभूमि की एक नगरी मनाली को छोड़कर आपको दूसरी नगरी से रूबरू कराए। हम जा रहे हैं क्वीन ऑफ हिल्स शिमला की तरफ। वैसे हम अपने शेड्यूल से 5 घंटा देर से चल रहे हैं, बट कोई बात नहीं, पहुंचना तो शिमला ही है। अब बस ऊपर वाले से ये दुआ करता हूँ कि गाड़ी ठीक ठाक चले और हमें शिमला तक पहुँचा दे। हल्के गाड़ी हाको मेरे राम गाड़ी वाले, जरा हल्के गाड़ी हाको मेरे राम गाड़ी वाले। इन्हीं पहाड़ों के बीच हमें सुपरमैन दिखे उड़ते हुए, हमने सोचा आपसे मिला दूं। अरे सुपरमैन, कहाँ जा रहे हो? शिमला। शिमला तो उधर पीछे लेफ्ट में। ओके थैंक्स। सिर्फ मैंने ही नहीं, इन लोगों ने भी देखा। देखो सब खुश हो गए सुपरमैन को देख के। ट्रस्ट मी भाई साहब, मैंने आज से पहले इतनी सुंदर शाम कभी नहीं देखी। ये नेचर पता नहीं अपने अंदर क्या क्या छुपाए हुए हैं। अब जाएंगे शिमला, एंजॉय करेंगे। तब तक के लिए आप प्लीज अपना ध्यान रखिए, रब रखा।